नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24x7 में। मैं हूँ आप सभी के साथ मानसी झा। इस वक्त हम मौजूद है गाजियाबाद के सबसे प्रसिद्ध मंदिर दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में। आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा चहल पहल देखने को मिल रही है मंदिर के अंदर शिवरात्रि पावन पर्व को लेकर के। और मेरे साथ देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु भी यहाँ पर आ चुके हैं भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि काफ़ी जनता यहाँ पर लाइन लगा करके खड़ी है भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। देख सकते हैं कि एकदम लाइन से लगी हुई है। आप ये दुधेश्वर नाथ का लाइव प्रसारण देख रहे हैं समय भारत 24x7 के साथ। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैम पुरुषार्थ त्यागी। अच्छा, कहाँ से आए सर? गाजियाबाद से। अच्छा, तो सर यहाँ भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए आए हैं? यस मैम। कितनी देर से वेट कर रहे हैं? मैम एक घंटा। एक घंटे से वेट कर रहे हैं? अच्छा सर, ये बताइए कि पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं? इससे पहले भी आ चुके हैं। हर मंडे आते हैं। अच्छा, तो फिर क्या लगता है कितने देर में नंबर आएगा आपको? आ जाएगा जब भी आना हो। अच्छा, तो वेट कर रहे हो रात तक ही? करते ही रहेंगे। अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मजी सूरजवती यादव। अच्छा, तो कहाँ से आए हैं आप भी? गाजियाबाद से। तो क्या गुस्सा है आपके अंदर? बहुत 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 ज्यादा। तो जल चढ़ाने के लिए आए होंगे फिर? पहली बार आए, इससे पहले भी आ चुके हैं? आते हैं, हर साल आते हैं। हाँ जी आते। अच्छा, तो ये बताइए कि किस तरीके का इंतजाम, कुछ अलग दिख रहा है या हर बार इसी तरीके का इंतजाम होता है यहाँ पर? नहीं, अलग भी होता है। अलग होता है। अच्छा, होता है, जागरण भी होता है। तो कितने ज्यादा उत्साह है आपके? बहुत ज्यादा। तो मतलब आए हो तो भोले बाबा को जल चढ़ा कर ही जाना है? जल चढ़ा के जाना है। कभी भी नंबर आए, कभी आए जाए। जैसे देखा आपने कितने ज्यादा उत्साह है इनके अंदर। तो मेरे साथ और भी देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर लाइन लगा कर भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। पलक। अच्छा, तो यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आए हैं जी? कितनी देर से वेट कर रहे हैं? हम तो 10 बजे से आए हुए। 10 बजे से? तो अभी तक तो आ ही जाएगा नंबर। अच्छा, ये बताइए जल्दी आ जाएगा, हम तो अंदर ही है ना। अच्छा, पहली बार आए इससे पहले भी? हम तो रेगुलर आते हैं। रेगुलर आते हो तो बस जल्दी आ जाएगा। देखा आपने 10 बजे से लोग, कोई 9 बजे से यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो चलिए और भी लोग देख, छोटे छोटे बच्चे भी आए यहाँ पर भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा आपका नाम क्या है? पीयूष। पीयूष, तो यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आए हैं भोले बाबा को? जल चढ़ाने के लिए आए भोले बाबा को? हाँ जी। पहली बार आए, इससे पहले भी आ चुके? पहली बार आए। पहली बार आए। किसके साथ आए हैं? मम्मी के साथ। मम्मी के साथ। तो निन्नी नहीं आ रही आपको? नहीं। तो बस जल चढ़ा के जाना है बाबा को, फिर सोना है? हाँ जी। देखा आपने छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए आए हैं। तो चलिए और भी श्रद्धालु से बात करते हैं। अपना नाम बताइए। शर्मिष्ठा। अच्छा, भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए आए, कितनी देर से वेट कर रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया। फिर भी कितना टाइम हो गया? 11:45 आए। अच्छा, तो फिर जल्दी ही टाइम आ जाएगा जल चढ़ाने का बाबा जी को। जैसे आपने मेरे साथ देखा कि तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आ करके भोले बाबा को जल चढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24x7 में। मैं हूँ आप सभी के साथ मानसी झा। इस वक्त हम मौजूद है गाजियाबाद के सबसे प्रसिद्ध मंदिर दुधेश्वर नाथ के मठ मंदिर। शिवरात्रि को लेकर के क्या चहल पहल दिख रही है शिव दुधेश्वर नाथ मंदिर। आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु आ चुके हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो चल के देखते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। और आप पावन पर्व मनाया जाता है। तो आप लोग सरकार यहाँ पर आते हैं, आप मेरे साथ देख सकते हैं।
चलिए महाराज जी से भी बात करते हैं और इनकी भी बाइट लेते हैं कि महाराज जी आपका स्वागत है। लाइव ले रखा है जी महाराज पेज पे, मैं इसी में फोटो ले दूंगा महाराज। बोले शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, हर हर महादेव शंभु। महाराज एक मिनट फोटो ले लूं ऐसे ही, एक मिनट महाराज। हर हर महादेव, हर 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 महादेव शंभो। चलो जी
कपिल भाई, कपिल जी आवाज सुने दरबार में आई आई प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, सच्चे दरबार की। आइए आज की रात्रि बाबा भोलेनाथ के चरणों में दूर दूर से भक्त बाबा की सेवा करने के लिए आए हुए हैं और सुंदर सुंदर भजनों के साथ बाबा को मनाएंगे। भक्त मिलकर के सेवा करेंगे बाबा के चरणों में। दूर दूर से भक्त आ रहे हैं बाबा की सेवा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। और बाबा की पावन ज्योति जगाई गई है। भक्त मिलकर के गुणगान करेंगे। सबसे पहले हिंदू धर्म में जब भी शुभ कार्य किया जाता है, गोरी के लाल गणेश भगवान को मनाया जाता है। शंकर भगवान ने माँ गोरा को ये वरदान दे दिया, जब भी हिंदू धर्म में शुभ कार्य किया जाएगा तो सबसे पहले गोरा तेरे लाल को मनाया जाएगा। कहते हैं जब तक श्री गणेश वंदन नहीं करें, आराधना नहीं करें, तब तक शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। आइए बाबा भोलेनाथ के चरणों में गुणगान करेंगे भक्त मिलकर के। आप नीचे के लिए सब, अच्छा कुर्सी ले लो, हाँ वरना देखा देख और भी बैठेंगे। हाँ, कुर्सी ले सकते हैं आप। देखिए एक बार देख लीजिएगा आप। एक बार सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे बाबा भोलेनाथ का। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। बस शुरू महाराज। अरे कौन सा गेट में है? जा रही महाराज जी, वो पूजन का बेटा आप खड़े हो जाओ, ये आप खड़े हो जाओ। लो आप पकड़ो, कौन कौन डिब्बे उनको पकड़ा दो। निकालूंगा मैं सबको भैया, थोड़ा साइड हो जाना, आप निकल जाओ। चलो बड़ा बच्चों।
नवरात्रि का पावन पर्व है और भोले बाबा से बात न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि माता पार्वती और भोले बाबा मेरे साथ है, तो चलिए बात करते हैं। भोले बाबा, सबसे आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हर हर। जैसे आज आप भोले बाबा के रूप में है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना प्यार मिल रहा है दुधेश्वर मंदिर से और यहाँ के कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो खुशी तो होगी। अच्छा ये बताइए, पहली बार आप यहाँ दुधेश्वर नाथ मंदिर में आए हैं बन करके, या फिर इससे पहले भी आ चुके हैं? मैं पहले भी एक दो बार आ चुका हूँ। अच्छा, हमारा ये तीसरी बार है और जब तक सेवा होगी जब तक तो जरूर करेंगे। अच्छा, तो भोले बाबा, जैसे कि आज आप भोले बाबा के आकर्तिक में हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं शिवरात्रि पावन पर्व के बारे में। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही कहूँगा। अच्छा सोचिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। आज का दिन इतना पावन है, सबके लिए दुआ मांगिए, आपके काम खुद अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, तो भोले बाबा, जैसे किस तरह की, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर के, इंतजाम कैसा लग रहा है? जैसे हमने बोला दो तीन बार आ चुके हैं, तो कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा, अब की बार श्रद्धालु भी ज़्यादा हैं, भीड़ इस प्रकार है कि सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं लेकिन संभल में नहीं आ रही है। और चीज़ें तो नई नई हैं, जैसे युग चेंज होता है तो हर चीज़ चेंज होती है। इतना है कि प्यार पुराना है यहाँ का। बस पहले तो कोविड का समय था, तभी इतना ज़्यादा श्रद्धालु नहीं आ पा रहे थे। नहीं आ रहे थे, गाइडलाइन बना रखी थी, सेफ्टी सबने कर रखी थी, लेकिन अब हर चीज़ ठीक हो चुकी है तो इसलिए सब आराम से हो रहा है। अच्छा, तो जैसे हमने भोले बाबा से तो बात कर ही लिया, अब भोले बाबा की विवाह जिनसे हुई है, माता पार्वती, अगर उनसे बात ना हो तो वो तो नाराज़ हो जाएंगी, तो चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मेरे को बहुत खुशी होती है यहाँ पर आके, बस मैं इतना ही बोलूँगी। पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं? तीसरी बार आ रही हूँ। तीसरी बार आ रहे हैं, तो माता पार्वती बन गए, तीसरी बार आ रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, वैसे ये दर्शन करने के लिए आते हैं दुधेश्वर? हाँ जी। अच्छा, कितने सोमवार को आते हैं? कभी कभार आती हूँ, वैसे तो जब गुरुजी बुलाते जब आ जाती हूँ। अच्छा, कितनी बड़ी बात है, दर्शन करने आती है दुधेश्वर नाथ मंदिर में, और उसी मठ मंदिर में आज माता पार्वती बनी हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए और भी लोग श्रद्धालु से बात करते हैं, माता पार्वती और भोले बाबा से तो बात हो ही गई, तो आप मेरे साथ देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु हैं यहाँ पर, तो चलिए इनसे ही बात करते हैं। तो अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? नीतू वर्मा। अच्छा, तो यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आए हैं? हाँ जी, हम सेवादार हैं, सेवा करने आए हैं बाबा की। अच्छा, तो कितने सालों से सेवा कर रहे हैं आप? दो तीन सालों से। तो किस तरीके का इंतजाम दिख रहा है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा उम्दा, और गर्व होता है ऐसे सब ये संस्कार देख के और सारी व्यवस्थाएं देख के बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, ये बताइए कोरोना के समय किस तरीके की यहाँ पर हालात थी और अब की क्या हालात है? हालात तो सब अच्छे थे, जब भी गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालु आते थे और सेवा में भी लगते थे, दर्शन भी पाते थे और भोले बाबा का आशीर्वाद भी पाते थे। अच्छा, अपना नाम बताइए। कावेरी जी। अच्छा, तो आप भी यहाँ पर सेवा कर रही हैं? हाँ जी, सेवा कर रहे हैं। अच्छा, कितने सालों से कर रही हैं? दो तीन सालों से। तो किस तरीके का इंतजाम है यहाँ पर? बहुत अच्छा। थोड़ा बताइए इंतजाम। बस जैसे मतलब हम सेवा करते हैं तो उनके लिए भी, और श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनके लिए भी, हम सारे कार्यकर्ता मतलब लाइन से आना, खूब गाइडलाइन करके, किसी का चोट ना लगे उस हिसाब से सारे गाइडलाइन बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, अपना नाम बताइए, आपका नाम? इशिका। अच्छा, तो फिर आप भी यहाँ पर सेवा कर? हाँ जी बिल्कुल। कितने सालों से कर रही हैं? मेरे को भी 3 साल के करीब। हाँ जी, तो इंतजाम किस तरीके का? बहुत अच्छा इंतजाम है, और मेरे भोले बाबा मेरे इष्ट है, जब से मैंने होश संभाला भोले बाबा को ही पूजा है। अच्छा। इनको देख के मेरी आंखों में ऑटोमेटिकली आंसू आ जाते हैं। अच्छा। बस इनके अलावा मेरे लिए लाइफ में कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए भोले बाबा से कौन सी मनोकामना है? जब की बार मुझे कुछ मांगना नहीं आता है, बस यही मांगती हूँ भगवान जी सबको खुश रखे, और कौन कब खुश रहेगा ये मुझे पता नहीं है, बस भोले बाबा सब जानते हैं, उनको जो देना है वो मुझे दे देते हैं, दैट्स इट। जैसे देखा आपने श्रद्धालु कितने ज़्यादा खुश है अब की बार महाशिवरात्रि पावन पर्व को लेकर के, तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, और भी श्रद्धालु से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं कि किस तरीके से अब की बार वो महाशिवरात्रि का पावन पर्व बनाने वाले हैं। Thank you.
बाबा को जल चढ़ाने के लिए आए। देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है श्रद्धालु की, जो कि काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं कि कब ये दरबार खुले और हम जा कर के भोले बाबा को जल चढ़ा सके। अब मेरदास मेरे साथ देख सकते हैं कि काफ़ी जनता यहाँ पर आ चुकी है भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। काफ़ी महिलाओं के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं जल चढ़ाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इनसे। अपना नाम बताओ बेटा, नाम क्या है? शारदा शर्मा। अच्छा, यहाँ पे भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए आए हो? पहली बार आए हो? पहली बार बोलो। हाँ पहली बार आए। किसके साथ आए हो? नानी। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर के स्वामी रमेश गिरी जी मेरे साथ मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी महाराज जी, जैसे कि आज शिवरात्रि का पावन पर्व है, तो इसके बारे में हमारे दर्शक कुछ जानना चाहते हैं। आज शिवरात्रि का शुभ पावन पर्व है और इस शिवरात्रि पर भगवान शंकर का विवाह हुआ था माता पार्वती जी के साथ। और जो लोग भगवान शंकर के विवाह में शामिल होते हैं उन्हें जन्म जन्म के दुखों का नाश होता है, अथाह फल मिलता है और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं कि मेरी शादी में जितने भी भक्त शामिल हुए हैं उनको अथाह फल देते हैं, अथाह मनोकामना पूरी करते हैं उनकी। आज हमारे दुधेश्वर मठ में वही भगवान शंकर का विवाह आपके सामने हुआ माता पार्वती के साथ। बारात निकली धूमधाम से, लाखों श्रद्धालुओं ने इस विवाह में शामिल होकर अपने जीवन को सफल बनाया और भगवान दुधेश्वर से प्रार्थना की कि उनके जीवन में सुख शांति हो। और जिस तरह आपके सामने इतनी लाइन चल रही है, अभी ये कल तक जल चलेगा। रात को 12 बजे से ये जल शुरू हुआ है और कल तक त्रयोदशी और चतुर्दशी एक हो गई है, ये जल कल तक चलेगा। इसमें लाखों श्रद्धालु, कम से कम 7-8-10 हज़ार लाख लोग यहाँ पर भगवान दुधेश्वर पे अपना जलाभिषेक करेंगे। ये सर पूरा प्रोग्राम हमारे परम पूज्य श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज दुधेश्वर पीठाधीश्वर हैं, जिनके सानिध्य में संपूर्ण रूप से शांति रूप से सब प्रशासन पूरा हमारा सहयोग कर रहा है। पुलिस प्रशासन, नगम प्रशासन, सारे अफसर यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा सब लोग सहयोग करके अपना एकजुट होकर के अपने जीवन का आनंद और भगवान दुधेश्वर की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। महाराज जी, ये बताइए दुधेश्वर नाथ में ऐसा कौन सा चमत्कार है जो लोग इतने दूर दूर से यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु पूजा करने के लिए? यहाँ पर 550 वर्ष पहले रावण के पिता जो विश्वशर्मा थे, यह पूरा एक जंगल हुआ करता था। तो वह जंगल में तपस्या करने आते थे, पास में केला गांव था एक, तो तपस्या जब करते थे वो विश्वशर्मा बहुत ही तपस्वी मुनि रहे हैं, तो पूजा करते वक्त भगवान शंकर साक्षात अपनी कृपा उन पर की और स्वयं वो प्रकट हुए। तो यहाँ केला की गांव था, वहाँ की गाय आकर के खड़ी होकर के दूध चढ़ाती थी और दूध स्वयं गिरता था और चली जाती थी। ग्वाले गांव वाले कहते थे दूध कहाँ जाता है, छुप के देखा तो देखा तो भगवान शंकर के ऊपर दूध स्वयं गिर रहा है। तो यहाँ पर फिर सब लोगों ने मिलकर उस जगह की खुदाई की तो वहाँ एक शिवलिंग स्वतः उप ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, जो आज हमारे दूध से प्रकट होने वाले दुधेश्वर नाथ हैं। इसलिए इनका नाम दुधेश्वर नाथ रखा गया, क्योंकि दूध से प्रकट हुए थे ये, दूध पीते थे, दूध का जलाभिषेक गाय करती थी, तो ये दुधेश्वर नाथ रखा गया। विशेष रूप से यहाँ सब इकट्ठे होकर के छत्रपति शिवाजी जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और आज वह धीरे धीरे एक पावन भूमि हमारे गाजियाबाद की बना हुआ है, जिससे कि गाजियाबाद पर विशेष कृपा और धन्य है हम लोग यहाँ के
और उसका आशीर्वाद भगवान शंकर का सब पर कृपा बरस रही है। जो लोग अपने दिल और जान से भगवान शंकर पर विश्वास रख करके श्रद्धापूर्ण होकर के भगवान शंकर के दर्शन करने आते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो महाराज जी ये बताइए कि हर साल किसी तरीके से यहाँ पर भीड़ रहती है? हर साल इसी तरह लाखों कांवड़िए, जब सावन का समय आता है तो लाखों कांवड़िए आते हैं, और जब ये फरवरी मार्च में लगभग शिवरात्रि जो आती है, इसमें श्रद्धालु कोई भीड़ की तादाद नहीं है, दसियों लाख लोग दर्शन कर जाते हैं, जल चढ़ा हर है। साल ऐसी हर साल ऐसी भीड़ रहती है, ऐसी भीड़ चलती है। तो सर महाराज जी ये बताइए कि सावन के महीने में तो किस तरीके से आप लोग कांवरियों के लिए इंतजाम करवाते? कांवर के लिए बैरिकेडिंग लगाया जाता है बाकायदा, और लाइनें यहाँ प्रशासन के द्वारा हेल्प लेकर के प्रशासन के द्वारा यहाँ लाइनें वगैरह व्यवस्था की जाती है। कांवड़ियों की लाइन एक अलग होती है, जो कि सीधे कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर आते हैं, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता, वह सीधे अंदर जाते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल की व्यवस्था है, हर चीज़ व्यवस्था है, सुविधा हर सुविधा है, सब लोग पूरी नगर निगम वगैरह देते हैं, सारी सुविधाएँ होकर के भक्तों का इस सेवा में लोग लगे रहते हैं। महाराज जी ये बताइए कि भोले बाबा को शिवरात्रि के दिन सबसे वो महत्व समय शुभ समय कौन सा है जब भोले बाबा को जल चढ़ाया जाता है? ये तो एक समय होता है, अपना अपना समय होता है, जैसे त्रयोदशी अब चतुर्दशी एक हो गई, और कभी कभी किसी उसमें त्रयोदशी अलग होती है, जो त्रयोदशी का लोग जल चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद चतुर्दशी लगती है, फिर चतुर्दशी का जल चढ़ाते हैं। अब के त्रयोदशी चतुर्दशी एक हो गई हैं, तो इसीलिए कल 18 तारीख आज 18 तारीख में त्रयोदशी चतुर्दशी एक है, इस वजह से दोनों मिलकर के और अपने भक्त रूप से जल चढ़ा रहे हैं। और बाबा जी और भोले बाबा जी का श्रृंगार कब किया जाएगा? अभी सुबह 4 बजे 3:40 पर यहाँ आरती शुरू होगी, उनका श्रृंगार होगा, और उसके बाद शाम को भी विशेष रूप से उनका श्रृंगार किया जाएगा, तो शाम को 6 बजे उनकी आरती शुरू होगी, और विशेष 56 प्रकार का भोग लगाया जाएगा, उनको अर्पण किया जाएगा, और पूरा श्रृंगार के आरती शाम को भी रखी जाएगी। विश्वनाथ मठ मंदिर में आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं समय भारत 24x7 के साथ, दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर के ही कुछ श्रद्धालु मेरे साथ हैं। तो चलिए बात करते हैं, तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कविता है। अच्छा, तो यहाँ पर कविता जी भोले बाबा को जल चढ़ाने का वेट कर रही है? नहीं, मैं चढ़ा चुकी हूँ। चढ़ा चुकी हूँ? हाँ जी। कब? सबसे पहले? सबसे पहले। देख सकते हैं कि आप इन ये सबसे पहले बाबा जी को जल चढ़ा करके यहाँ पर इंतजार कर रही है, तो फिर इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं आप यहाँ पर? इंतजार के करना, मंदिर में बैठे हैं। अच्छा, भगवान की शरण में बैठे हैं। तो फिर रात तक यहीं रहने का इरादा है? नहीं, थोड़ी देर तक। हाँ। तो ये बताइए कि पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहले भी आ चुके। हाँ, तो ये इंतजाम इसी तरीके से हर साल रहता है? इस बार ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा, हर बार से बहुत अच्छा है इंतजाम। अच्छा, तो फिर जैसे यहाँ पर महादेव और पार्वती का विवाह संपन्न किया गया है, तो हर साल क्या इसी तरीके से यहाँ पर विवाह संपन्न किया जाता है? हर साल। तो कितना उत्साह है आपके अंदर अब क्या शिवरात्रि को लेकर के? वो तो आपको मेरे चेहरे से ही पता चल रहा है, देख के तो लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उत्साह है आपके अंदर। अपना नाम बताइए। छवि मित्तल। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं आप? हम गगन एन्क्लेव से। अच्छा, तो यहाँ पर भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए? बिल्कुल। चढ़ा चुके हैं? चढ़ा चुके हैं। हाँ जी, मुझे लगता है कि इनके पास सब फिर आप ही। हमारा एक हम परिवार ही है पूरा। तो जैसे बाबा का दरबार खुला होगा जाके सबसे पहले आपने जल चढ़ाया, शिव पार्वती जी की छाती भी देगी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो क्या आपकी बार बाबा जी से आप मांगने वाले हैं, कौन सी वो मनोकामना हो जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए? बच्चे सफल हो जाए, सक्सेस हो जाए, और यही है सब। अच्छा, तो ये बताइए कि इंतजाम कैसा लग रहा है? इंतजाम बहुत अच्छा है। बढ़िया लग रहा है एकदम? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, हर साल इसी तरीके का इंतजाम? हाँ, होता है? इंतजाम बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस बार और ज़्यादा अच्छा। अच्छा, भीड़ तो काफ़ी तमाम बहुत, आई है? हाँ, बहुत। हाँ, तो फिर उत्साह कितना है आपके अंदर? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। तो क्या खास करने वाले हैं आपकी बार शिवरात्रि पर? खास क्या, बस अच्छा लग रहा है, बस दिल से लग रहा है। तो फिर हर साल इसी समय आते हैं जल चढ़ाने के लिए? हाँ जी। हाँ, शाम को रात को आराम से। हाँ, वो आराम हो जाता है आराम से। हाँ, आराम से। अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम शालू सिंगल।
तो मुझे तो देख के लग रहा है कि आप भी, मुझे लग रहा है जल चढ़ा करके बैठे होंगे। बिल्कुल, हम एक ही परिवार हैं तो लाइन से सब एक साथ गए जल चढ़ा के। बिल्कुल बिल्कुल, इतना बड़ा सौभाग्य मिला। मैं तो कहती हूँ मेरे भाइयों ने ये सौभाग्य मुझे दिलवाया, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पहली बार आए हैं आप? नहीं, मैं पहले बहुत आती थी लेकिन अब काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। अच्छा, तो फिर जैसे आपने बोला काफ़ी समय बाद आई हो, तो इंतजाम किस तरीके का? इंतजाम देख के तो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कह रही हूँ कि मुझे जाने का ही मन नहीं कर रहा है। मुझे लगा कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं शास्त्री नगर रहती हूँ। अच्छा। लेकिन कभी शिवरात्रि पर नहीं आना हो पाता, भीड़ की वजह से मुझे नहीं आ पाती थी। तो इसी चक्कर में रात में आ गए कि रात में चल। जी जी जी, बाबा के भी दर्शन कर। बाबा के इतने अच्छे दर्शन हुए हैं, इतने अद्भुत दर्शन हुए हैं आज, तो मतलब मन प्रसन्न हो गया। जैसे देखा श्रद्धालुओं को देख करके तो लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उत्साह है इन लोगों के अंदर शिवरात्रि पावन पर्व को लेकर के। तो चलिए और भी श्रद्धालु से बात करते हैं कि किस तरीके का उत्साह है उन लोगों के अंदर शिवरात्रि पावन पर्व को लेकर के। तो वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देखना ना भूलें समय भारत 24x7 के साथ लाइव प्रसारण। मैं इस वक्त मेरे साथ गाज़ियाबाद के सभी अधिकारी मेरे साथ मौजूद है, तो चलिए बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं यहाँ ADM सिटी हूँ। जी जी। तो सर, जैसे दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में जो आज महाशिवरात्रि पावन पर्व जो आयोजित किया गया है, तो सर इसके बारे में बताइए किस तरीके का आयोजन। अभी ये जो पावन पर्व के बारे में हमारे महाराज जी ने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया होगा, फिर भी हमारे यहाँ लाइन आर्डर पर्पज से हमारे पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी यहाँ लगाई जाती है कि श्रद्धालुओं के उनकी सुरक्षा और सही से वो दर्शन कर सकें, इसके लिए उनको इंतजाम ऐसे किए जाते हैं कि उनके में ऐसा रात भर ये दर्शन चलता है, तो इसके लिए प्रशासन और पुलिस लगातार रात भर ड्यूटी करती है जिससे कि वो श्रद्धालु दर्शन करने में कहीं किसी तरह की उनकी समस्या ना हो। सर, जैसे कि अभी भी कोरोना महामारी है, लोगों के अंदर डर है, तो सर इसको लेकर के किस तरह के काम किया? नहीं, अभी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है जिससे कि कोरोना के संबंध में क्लियर कोई गाइडलाइन नहीं है जिससे हम इनको निर्देश दे सकें, फिर भी ये अपने आप सब लोग इतने सचेत हैं कि एक आपस में समन्वय बना करके दर्शन कर सकें, इसके लिए सब समझदार हैं और उसका ध्यान रख रहे हैं। जी सर, ये बताइए महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था किस तरीके से की गई है? अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कम से कम 3 लेयर में हमारी फोर्स लगी हुई है। हमारे महिला कांस्टेबल हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, हमारे ACP हैं और DCP, इवन एडिशनल हमारे कमिश्नर भी आकर के पूरा मुआयना कर गए, और आसपास के पूरे क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस के हर चौराहे पे भारी संख्या में फोर्स लगी है जिससे कि अगर हमारे श्रद्धालु जन किसी भी गली से अगर इस मंदिर में दर्शन करने आए तो उनको जो है किसी तरह का कोई भय ना हो और ये दर्शन रात भर सकुशल से चल सके, इसलिए पर्याप्त पुलिस का इंतजाम और फोर्स इंतजाम किया गया। जी सर, लगभग कितने पुलिस का यहाँ पर इंतजाम किया गया? अब एक्चुअल तो हमारे DCP साहब और लोकल हमारे ACP बता पाएंगे, फिर भी जैसा कि मैं अभी देखते हुए आ रहा था तो मुझे हर जगह पे हर चप्पे पे फोर्स महसूस हुई, और ऐसे में ये लग रहा है कि जितने भी फोर्स है वो पर्याप्त है यहाँ पे लोग श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए। सर, हर बार इसी तरीके से यहाँ पर इंतजाम किया जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बार थोड़ा कमिश्नरी बनने के कारण फोर्स हमें और मिली है, इसलिए और थोड़ी फोर्स की संख्या बढ़ी है, अन्यथा पिछले वर्षों में भी पर्याप्त इंतजाम रहता था और पिछले वर्षों में श्रद्धालु आराम से दर्शन करके अपने घर को जा सके थे। सर, ये बताइए सावन के महीने में जब कांवरियाँ आते हैं तो उनको किस तरीके से इंतजाम करते हैं? अब उस समय आपने अगर ब्रीफ के देखा होगा तो हम लोग कांवड़ के समय में तो गाज़ियाबाद में एंट्री से लेकर एग्जिट तक हर क्षेत्र पे हर जगह हमारे पुलिसकर्मी और प्रशासन हर अन्य विभाग के लोग रहते हैं, खासकर हमारा सिविल डिफेंस भी कई जगह अपना टेंट लगा करके और लोगों के खाने पीने का इंतजाम करता कांवड़ियों का, और अन्य जो कांवड़ियों के खान पान अनान इंतजाम करने के लिए भी बहुत पर्याप्त संख्या में टेंट लगे होते हैं, और इस बार का हमने कांवड़ पिछले दो सालों से न होने के बाद बड़े भव्य रूप से हुआ था और काफ़ी संख्या में कांवड़िए इस नगर गाज़ियाबाद से गुजरे थे और दशोनार का दर्शन किए थे, और उसी के क्रम में आप देख रहे होंगे कि लोग ये श्रद्धालु जो है आज आपके सामने उपस्थित हैं और ये रात भर ये दर्शन होने वाला है, अगले दिन शाम तक ये दर्शन लगातार चलने वाला है।
श्रृंगार यहाँ का ताला श्रृंगार यहाँ का ताला कटोरी वगैरह रखी है वो ला के देखा। अरे एक लोटा लगा